नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूनम स्मॉल वर्ल्ड में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की, मनी प्लांट, जिसे आप जानते ही होंगे। इसे मनी प्लांट कहा जाता है, इसका अर्थ ये भी होता है कि ये धन का पौधा है, इसे शुभ माना जाता है। तो इसे आप घर में किस तरीके से रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये पॉजिटिविटी देता है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आइए चलिए अब हम जानते हैं मनी प्लांट को आप किस तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं, चलिए बात करते हैं। ये मेरे प्लांट्स हैं जिन्हें मैं अपने घर के अंदर रखती हूँ। इन्हें एज ए मेरे पास शोपीस है जो कि टूट चुका था, तो मैंने उसमें मनी प्लांट को लगा दिया और वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी हो गया है। चलिए एक नजर इस पर मार लेते हैं। मनी प्लांट को आप किसी भी चीज में, आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी बॉटल हो, कुछ भी चीज आपके पास हो, उसमें आप इजीली उसको ग्रो किया जा सकता है। बस उसमें हमें उसकी एक कटिंग लेनी होती है और उसको वाटर, पानी डाल देना होता है उसमें। चलिए मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये एक कप है, मैंने इसके अंदर मैंने जस्ट दो कटिंग्स ली थी मनी प्लांट की और ये 8-10 दिन में इसकी रूट्स निकल आती हैं। आपको करना ये होता है कि अभी गर्मियों का मौसम है तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसका पानी रोज़ रोज़ बदलें और इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें, तो इसकी पत्तियां बहुत ही फ्रेश और ताज़ा रहती हैं। ये एक छोटी सी बॉटल है, जो थिनर की बॉटल्स होती हैं स्पेशली लेडीज़ के पास होती हैं, तो इसको मैंने जस्ट इसका जब ये ख़त्म हो गई थी मैंने इसमें अब मनी प्लांट को ग्रो कर दिया और इसके नीचे एक इस तरीके का शोपीस रख दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसको आप कहीं पर भी अपने डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या कहीं पर भी एज ए शोपीस भी रख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर और मिट्टी में अगर आपको करना है, मैंने जस्ट रिसेंट अभी लगाया था, मुझे 1-2 हफ्ते हो गए होंगे इसमें शायद। तो ये देखिए, ये जस्ट सॉइल में मैंने सिर्फ इसकी एक कटिंग लगाई थी, उससे ही ये इतना खूबसूरत हो गया। ध्यान रखिएगा कि जो मनी प्लांट होते हैं इन्हें आप शेडो में रखें, इन्हें धूप में बिल्कुल मत रखिएगा, ये धूप में बिल्कुल भी नहीं पनपते हैं, बहुत जल्दी ये मुरझा जाते हैं। अगर आपको खुद रखना है तो आप एक ऐसी बॉटल, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनकी बॉटल्स रहती हैं, आपको करना ये है बस, आपको उस बॉटल को पानी से फिल कर देना है पूरा और एक मनी प्लांट की कटिंग लेनी है, आपको उसको काट देना है कैंची से, उसके बाद जस्ट उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए। 8-10 दिन के अंदर आपको इसके अंदर रूट्स दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप अपने घर में लगाइए, किसी भी चीज़ में, खाली ग्लास, खाली बॉटल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगते हैं। स्पेशली ये कांच की जो बॉटल्स रहती हैं उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए इसमें आप बीट्स डाल सकते हैं। सी तो गाइस, प्लीज़ आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।